हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट अमेजिंग फैक्ट्स एंड किड्स वर्ल्ड। मेन चैनल है हमारा एडुला पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 75, 20 जनवरी मैथमेटिक्स क्लास 10, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर को समझना है, पिछले पार्ट में भी हमने समझा था, तो लेट अस अंडरस्टैंड पार्ट बी। पार्ट ए को हम समझ चुके हैं और पार्ट बी को आप समझेंगे। इन पार्ट बी जो है, देयर आर टोटल ऑफ 16 क्वेश्चन आएंगे बच्चों, विच आर डिवाइडेड एज फॉलोज। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 है। ठीक, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 6 है। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 2 × 6 यानी 12 हो गया, 2 मार्क्स हर क्वेश्चन पर है। पार्ट बी में एक तो ये हो गया 6 क्वेश्चन। ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन 3 होंगे तो 9 हो गए, 5 × 3 = 15 हो गया। एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है 7 होंगे, तो ये 7 और ये 13 और ये हो गया 3 = 16 और ये 21 मार्क्स के होंगे। तो मार्क्स को अगर जोड़े हम लोग तो यहाँ 12 आया, 15 एंड 21, 48 हो गया कि नहीं हो गया, और ये हो गया 48 मार्क्स का। और वहां पे हमारा कितना बन रहा था, 32 बन रहा था ना, तो ये 80 मार्क्स बनता है। पार्ट बी में टोटल 16 क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्ट जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट होंगे, उसको बहुत लंबा कोशिश मत करना, 3-4 स्टेप्स में आंसर सॉल्व कर लेना है, छोटे ही क्वेश्चन होंगे। 3 मार्क्स वाले भी जो भी एक्सप्लेन करना है, जिस तरह से सवाल है पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है, फिगर है तो पूरी फिगर बनानी है अगर जरूरत है तो। और 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे, उसको एक्सप्लेन करके डिटेल में फिगर वगैरह के साथ अगर जरूरत है तो, विद फॉर्मूला मत छोड़ना, आपको यूज करना है। बहुत टाइम होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि पहले ही आपके पास ज्यादा टाइम आ चुका है, तो नहीं क्वेश्चन इजी होगा ना पार्ट ए में। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट इफ गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इज ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं, इफ यस राइट द सीक्वेंस ऑफ सिमिलर। देखिए 70 है, ये 71 है, तो थर्ड एंगल कितना होगा, थर्ड एंगल निकाल लीजिए, 180 में से इन दोनों को माइनस कर दीजिए, इनको टोटल कीजिए, 70 + 71 तो कितना होगा, 141 हो गया। 180 में से दो एंगल का टोटल माइनस करते हैं 141 को, डिग्रीज में है तो कितना आ जाएगा, 9 और ये 3, 39 डिग्री आ गया ये। ठीक है, ओके, अब इसमें भी तीसरा एंगल निकाल लीजिए, यहाँ पे ये तो ट्रायंगल डी ई एफ का था, अब ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर देखिए 39 एंड 71 को ऐड कर देते हैं डिग्रीज में, 9 और 1 10 0 आ गया और 110 हो गया ये डिग्री। ठीक है, तो थर्ड एंगल क्या आएगा, थर्ड एंगल मतलब ये एंगल एफ आया था, एंगल एफ आया था, इसमें एंगल कौन सा आएगा, एंगल क्यू आएगा, 180 में से आप 110 डिग्री को माइनस कर दीजिए तो 70 डिग्री आ गया। तो हम देख रहे हैं कि एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल है, दूसरा 70 के इक्वल है, 39 के, 71 के, तो एंगल वन, अगर एंगल डी देखे तो एंगल डी इक्वल है एंगल क्यू के 70 डिग्री। ठीक वैसे ही एंगल ई इक्वल है एंगल पी के, सॉरी पी के नहीं, आर के, आर है ना 71 डिग्री। एंगल एफ इक्वल है एंगल पी के 39 डिग्री, तो ये एंगल इक्वल है। जब तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो हम ये लिख सकते हैं कि दोनों जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर है, सिमिलर का ये सिंबल होता है सिर्फ, ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिवाइड करना है लाइन सेगमेंट ए बी को 1:3 रेशियो में, तो आप कोई भी एक लाइन ले लीजिएगा। ठीक है, कोई भी एक लाइन ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं, ये हमने ले लिया। अब एक एक्यूट एंगल बना लो, जो एंगल यहां बनाओगे जितने डिग्री पे, उतने डिग्री पे नीचे भी एंगल आप बना लीजिएगा। ठीक है, ये बन गया, पैरेलल होना चाहिए। आप ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में,
नहीं तो ऐसे बना रहे हो तो आप लोग पेंसिल्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर टू, इसका नाम दे दीजिए, इस सेगमेंट क्या है क्वेश्चन नंबर टू में, ए बी 8 सेंटीमीटर लेना, 8 सेंटीमीटर नाप के ले लेना आप, ए बी 8 सेंटीमीटर है। अब प्रकार को थोड़ा सा खोलना या बंद करके भी आप यहां से एक पे आर्क लगा देंगे एक बार। अब यहां पे इस पॉइंट पे रखना है आपको, ठीक है, इस पॉइंट पे रखना है, यहां से वो प्रकार को बंद नहीं करना, उतना ही रखना है, यहां भी आर्क लगाना है, फिर इस पॉइंट पे रख के यहां बराबर आर्क लगती जाएगी, तीन आर्क आपको लगा देनी है, ठीक है। अब 1:3 रेशियो में होना चाहिए, अब इसको इससे ज्वाइन कर देंगे तो ये रेशियो जो है 1:3 आ गया। नाम दे दीजिए इसका, कुछ भी नाम दे दीजिए, ए बी सी है तो ये ए सी रेशियो सी बी, ये आ गया 1:3 रेशियो, ये एक पार्ट है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, बड़े आराम से बना सकते हैं, और इनके नाम आप दे सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स जरूर लिखना, नाम आपको जो देना है दे दो, एक्स वाई जेड, और ये जो एंगल होगा वो एंगल यहाँ होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, थ्री देखते हैं। क्वेश्चन थ्री क्या कहता है, ये फिगर दिया हुआ है, एम एन ओ पी, एम एन ये एन है, ओ पी इसकी साइड है 14, स्क्वायर की साइड 14 है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया हमें निकालना है। अगर हम इसको ऐसे जोड़े तो हम देख रहे हैं कि ये स्क्वायर बन रहा है, बन रहा है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर से ये थ्री है, इधर से ये थ्री है, तो अगर मैं इसको जोड़ दूं पूरे को तो ये कितना होगा, तो टोटल उधर और उधर से दोनों तरफ से 6 माइनस हो जाएगा, 14 में से 6 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, 8 बचेगा, 8 होगा कितना, अगर हम देखें तो ये वाला आर हिस्सा है, ये भी आर हो गया, और इसके ये जो साइड है ये पूरी की पूरी दो बार आर है, चेक कर सकते हैं इसको, ये दो बार आर है क्योंकि ये डायमीटर के बराबर है ना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो, पूरे स्क्वायर एम एन ओ पी का एरिया। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन थ्री, एरिया ऑफ स्क्वायर एम एन ओ पी क्या हुआ, साइड इनटू साइड या साइड स्क्वायर, 14 स्क्वायर, 14 स्क्वायर कितना, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो एरिया आ गया, ठीक है। अब इसको हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए मैंने ये नाम दे दिया है, क्या था, एम एन ओ पी था ना, तो ए बी सी डी नाम दे देती हूँ, ये चार पॉइंट है, तो अगर और इसका नाम एक्स और वाई दे देते हैं, ये या ई और एफ, ई एफ भी बोल सकते हो, अगर आपको ई एफ निकालना है, ई एफ निकालना, ई एफ समझ में आ गया ना, कौन सा है ई एफ, यस ये है ई, ये ई है और ये एफ है, ये वाला पॉइंट, तो ये ई एफ आपको निकालना है, तो कैसे आएगा बताइए, पूरा एनओ में से या एमपी में से हम माइनस कर देंगे तीन और तीन, है ना, एमपी में से थ्री और थ्री ऊपर नीचे माइनस कर देंगे, यानी 14 में से 6 माइनस करेंगे, 8 सेंटीमीटर आ गया, ये ई एफ आ गया, तो हमें तो सिर्फ स्क्वायर की साइड चाहिए, पहले तो ए बी चाहिए, ए बी बराबर क्या आएगा, ए बी मतलब कि इतना हिस्सा, ए बी बराबर आएगा कितना है ये, आठ तो पूरा हो गया ना, ई एफ अगर देखें तो ई एफ में है क्या क्या, ई एफ के अंदर है एक बार ऊपर आर, ये आर है, एक बार यहां आर है, और बीच में डी है, डी का मतलब दो आर, ये आठ के बराबर है, ये हो गया 4r = 8, आर की वैल्यू निकालते पहले तो हम, तो आर बराबर आ गया 8/4, 2 सेंटीमीटर आर आ गया, तो कितने हमारे पास सेमी सर्कल है, 4 है, 4 × एरिया ऑफ 1 सेमी सर्कल, तो वो होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल है तो हाफ हो गया, और ये 4 है तो 4 यहां आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा,
नाउ 2 × 22/7 आर है 2 गुणा में 2। आगे बढ़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 1, 2, 4 और 44 को 4 से किया 176/7 अप्रोक्स आएगा ये 25.14 cm², एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ गया। ठीक वैसे ही छोटा वाला जो वो बन रहा था ना स्मॉलर स्क्वायर, तो उसको निकालेंगे एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर। और साइड कितनी है इसकी, साइड तो डायमीटर के बराबर है ना, तो डायमीटर कितना आएगा बताइए, यहाँ पे डायमीटर होगा 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर मीन्स की 16 cm², ये भी एरिया हो गया। अब हम ध्यान से देखते हैं शेडेड पोर्शन कैसे निकालना है, चारों सेमी सर्कल को हटा दो और ये बीच वाले स्क्वायर को हटा दो, आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या रीजन वो होगा एरिया ऑफ स्क्वायर का नाम क्या है ऊपर वाले एमएनओपी ऑफ स्क्वायर एमएनओपी में से माइनस करेंगे 4 × एरिया ऑफ सेमी सर्कल और ये भी माइनस करेंगे एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, तो वो आया था 196। ठीक है, उसमें से क्या क्या माइनस होगा, माइनस होगा 25.14 और 16, इनको ऐड कर लो। ठीक है, तो इसको ऐड करना आसान है, आप इस दोनों को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 196 में से माइनस करेंगे तो बीच में कुछ नहीं है। ठीक है, 0.14 तो आएगा, ये 0.00 लगाते तो 6 और 5 = 11, 2 और 1 = 3 और 1 = 4। अब इसमें से इसको माइनस कर लो तो ये आ जाएगा 86/4, 9 में से 4 गया 5, 154.86 cm² अप्रोक्स वैल्यू होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न आपको बता दिया गया है, होप आप लोग बड़े आराम से कर पाएंगे बच्चों, और छोटे छोटे क्वेश्चंस को करते हुए कोविड पीरियड में आप अपना बोर्ड निकाल दीजिए बढ़िया नंबर से। टेक केयर, बाय बाय, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।